हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो टुडे आई सोड शो यू द फुल एच मेकअप ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप चलो भी आज का जो मेकअप है वो मैंने जो है फुल ग्लैम मेकअप लुक जो है वो क्रिएट किया है बहुत ही ज़्यादा एडवांस और प्रोफेशनल लेवल का मेकअप है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें पूरा फुल वीडियो वॉच करें क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जो है मैंने वीडियो में मेक करी है ट्यूटोरियल के अंदर मेकअप के अंदर कि मैंने कौन कौन सी टिप्स एंड टेक्निक्स यूज़ करी हैं ठीक है और आई होप कि आपको वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आएगी वीडियो का पसंद आए एंड तक पूरा फुल वॉच करें तो वीडियो को लाइक करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये है हमारा जो है विदाउट मेकअप लुक और अब हम आप जो है आ जाएंगे अपने मेकअप के ट्रेलर पर तो ये है हमारा फाइनल लुक और हमने ये मेकअप किस तरह से प्रोफेशनल लेवल का क्रिएट किया है ये बहुत ही एडवांस मेकअप लुक है और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस स्किन हमने मेक करी है पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो में करके दिखाऊंगी ठीक है कौन कौन सी मैंने इसमें प्रोडक्ट यूज़ करी हैं कोई बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट नहीं है बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर ठीक है और ये सबके पास अवेलेबल होती हैं इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि आप ये सोचिए कि बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान यूज़ करती हैं ये यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाती है ऐसा कुछ नहीं है हम भी वही यूज करते हैं जो आपके पास होता है थोड़ा सा उन्नीस बीस का फर्क होता है ठीक है और वैसे भी हर ब्रांड जो होता है बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका जो मेकअप का प्रोडक्ट होता है वो लो प्राइस में भी मिलता है और हाई प्राइस में भी मिलता है ठीक है आपके पास जो है जितनी भी आपकी गुंजाइश हो उसके हिसाब से जो है वो आप बाई कर सकते हैं तो मेकअप ही आप बिल्कुल करीब से भी देख लें मैंने बिल्कुल फोकस करके भी दिखाया और मैंने थोड़ा सा ज़ूम करके भी दिखाया आपको दूर से भी दिखा दिया मैंने आपको किस तरह से मैंने ये मेकअप क्रिएट किया है इसमें कोई हमने कंट्रीज़ जो है वो मेक नहीं करी है कोई हमने इसके अंदर ग्लिटर यूज़ नहीं करी है कुछ भी अप्लाई नहीं किया है इसके अंदर लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा जो है इनक्रेडिबल मेकअप जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है कितना प्यारा मेकअप क्रिएट किया है नीट करना है आप पेंसिल भी, भी अवेलेबल हो देन आपको कंसीलर के ऊपर मैं चांदलीवी का कंसीलर यूज कर रही हूँ ठीक है और अगर आपके पास कोई और कंसीलर अवेलेबल है या आपके पास कैमोफलेज अवेलेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं कोई इसमें आपके पास स्टिक मौजूद है लेकिन स्टिक के लिए भी अगर कंपनी की स्टिक हो जभी नहीं कि क्रैलन की हो तो लेकिन वो डार्क फॉर्म में जो है वो स्टिक होनी चाहिए ठीक है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कोई बड़ा इशू नहीं है बट मैंने आज जो है वो आज कंसीलर यूज़ किया है कंसीलर का जो कलर है वो काफ़ी थोड़ा सा डार्क है ठीक है थोड़ा ये वाइट टोन में कंसीलर नहीं है हमेशा जो है अपनी आई बेस को मेक करने के लिए हमें थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करना चाहिए अगर हम बिल्कुल वाइट यूज़ करेंगे अंडर आई एरिया में या अपनी आई बॉल पर तो हमारा मेकअप जो है वो अजीब सा ग्रे टोन में चला जाएगा सो इसलिए थोड़ा सा जो है वो डार्क टोन वाली जो है वो प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए शेड ठीक है और इसी को हमने कंसीलर को ब्रश जो है वो सॉर्ट आउट करना है अपनी आई बॉल पर ठीक है अच्छा इसी स्टिक में जो है मेरे पास जो है वो स्टिक में भी कंसीलर था और लिक्विड में भी कंसीलर टू इन वन कंसीलर होते हैं वो आप लगा सकते हैं देन कॉम्पैक्ट पाउडर से हमने अपनी आई बेस फिक्स कर ली है अब ये देखें हमारी आईब्रो जो है वो कितनी नीटली जो है वो मेक हो गई है अब हमारा आई मेकअप के लिए जो है वो रेडी है आईज ये मैंने फाइनल टच की वन ट्वेंटी शेड की पैलेट ली है ठीक है इसमें वन ट्वेंटी शेड में सारे कलर है मैट फॉर्म में और वेलवेट शेड में भी कलर्स मौजूद हैं सबसे पहले मैं ये रेडिश मैट फॉर्म का कलर ले रही हूँ ठीक है ये कलर अब इस तरह से मैं अपनी क्रीज पर मेक करूंगी अपने आउटर साइड पर जो स्मुकी एरिया होता है मेरा वहां पर मैंने इसको स्टार्ट किया है स्टार्ट करते करते मैंने इनर तक लेके आना है इनर पे थोड़ा सा लाइट शेड अप्लाई करेंगे यानी अपने हैंड को जो है वो थोड़ा सा लाइट फॉर्म में आप ब्लेंड करेंगे ठीक है और इसमें जो है मैंने बड़ा वाला भी ब्लैंडिंग जो है वो ब्रश होता है वो नहीं लिया ठीक है मैं ये स्मॉल वाला जो राउंड शेप में सर्कल में होता है वो वाला ब्रश अप्लाई कर रही हूँ यह आसानी से आपकी किसी भी आई के उसमें ब्रशेज की जो पैलेट होती है ब्रशेज की जो होती है है मिल जाता है, तो स्मॉल वाला ब्रश लिया है ठीक है और इसी को हमने ब्लेंड करना है इस तरह से देखें ये क्रीज पर बिल्कुल प्रॉपर क्रीज हर एक की अपनी आईस पे जो कुदरती तौर नेचुरल क्रीज होती है उसके ऊपर ब्लेंड करना है क्योंकि हम इसमें बिग कोई कट क्रीज नहीं बना रहे हैं, कोई इसमें हम कंसीलर की क्रीज नहीं बनाएंगे कोई इसमें हम ग्लिटर्स यूज नहीं करेंगे कोई इसमें हम चंक्स यूज नहीं करेंगे कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं करना है सेम प्रोसेस पे आ जाएंगे हम सेकंड आई पर और उसमें भी इसी तरह से आपको ब्लेंड करना है अच्छी तरह से ब्लेंड करें ठीक है आपकी आई बेस जो है वो बस वो बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए देखिए हमने आई बेस कितनी सॉफ्ट बनाई है और हमने बिल्कुल परफेक्ट कलर इसके अंदर शेड यूज़ किया है तभी हमारे जो आई शेडों का लुक है बिल्कुल सेम आ रहा है ठीक है ये ग्रे टोन में नहीं जा रहा बिल्कुल नेचुरल कलर आ रहा है जो हमारा आई शेडो का कलर है मैट फॉर्म है थोड़ा सा ये ब्राउनिश रेड कलर होता है ना ये वो वाला कलर है उसके बाद ये थोड़ा सा ऑरेंज वाला शेड लेंगे ये भी मैट फॉर्म में है ठीक है अच्छा इसको हमने इसी तरह से जो हमने शेड अप्लाई किया था बिफोर उसी के ऊपर हमने जो है अप्लाई करना है नेक्स्ट इसी शेड को ब्लेंड करना है तो उस जब इसके ऊपर हम ब्लेंड करेंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा उसके बाद ये वाला शेड लेंगे हम ठीक है और इसको जो है हम दोबारा से इसके ऊपर अपनी आई के ऊपर जो है वो ब्लेंड करेंगे ताकि हमारे शेड जो है वो अलग से नज़र आए इस तरह से ये देखें थोड़ा सा हमने इसको सर्कल में भी ब्लेंड करना है ये देखिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको कोई भी कट क्रीज का मेकअप हो या ग्लिटर का मेकअप हो या किसी भी शेड के और भी बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं मेरी चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड हैं ठीक है आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरी एक, एक ही प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर आप उसको भी वॉच कर सकते हैं ईजिली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टेप बाई स्टेप पार्ट्स के साथ मैंने मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करी हैं और आई होप कि आपको ताकि अच्छे से समझ आ सके और किसी भी टॉपिक पर किसी भी शेडोज पर किसी भी वायरल टॉपिक पर या किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको मेकअप ट्यूटोरियल वॉच करना है, या देखने है तो आप मुझे बता बता सकते हैं देन हमने अपनी आई पैलेट में से मैट ग्रीन शेड लिया है ये देखें फिंगर से मैं इसको शेड को ले रही हूँ और अपने जो ब्लैंक आई बॉल का मेरा एरिया था उसके ऊपर मैं इस तरह से टैप करके अप्लाई कर रही हूँ आप भी फिंगर से लगा सकते हैं ब्रश से भी लगा सकते हैं बट मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे फिंगर से टैप करने में जो पिगमेंटेशन होती है जो कलर्स आते हैं वो आई थिंक ब्रश से नहीं आते क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है इस तरह से आपको अप्लाई करना है और बिल्कुल प्रॉपर अपनी आई बॉल पर लगाना है कि कोई भी आपका आई बॉल का जो पार्ट है वो मिस ना हो जाए इस तरह से ठीक है और दूसरी आई बॉल पर भी हमने इसी तरह से अप्लाई करना है ये मेकअप जो मैं दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल ट्यूटोरियल है बिल्कुल प्रॉपर मैंने मेक किया है इसमें वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है क्योंकि ट्यूटोरियल जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप है अगर कट करो ट्रिम करो तो उसमें जो है वो बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सी चीज़ें रह जाएंगी देन हमने उसी से ब्रश से स्मॉल वाले जो सर्कल वाला ब्रश है ब्लैंड का उसमें हमने इसको ब्लैक कलर लेना है अब ब्लैक कलर हम जो है इस तरह से ही देखें अप्लाई करेंगे थोड़ा सा हल्का सा जो है वो डी फॉर्म में जो शेप है हमारा स्मूगी वाली एरिया वहां पर जो है हमें ये अप्लाई करना है आई होप कि आपको अच्छे से मेकअप जो है वो समझ आ रहा होगा और मुझे तो ये मेकअप पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद जो है मैंने इस तरह के जो है वो आई शेडोज़ के साथ मैंने मेकअप क्रिएट किया है ये देखें आप इसको थोड़ा सा फिंगर से भी हम टैप कर लेंगे ताकि जो वो ब्लैक आई शेडो अलग से नजर ना आए हमारा मैंने आपको बताया है कि फिंगर से जो है वो बहुत अच्छे आई शेडोज्ले हैं वो ब्लेंड होते हैं ऐसा नहीं है कि आप ब्रश अप्लाई नहीं कर सकते आप ब्रश भी लगा सकते हैं देन ये लार्ज वाला ब्लेंड का ब्रश है हमारा ठीक है अब इसको हमने ब्लैक ब्राउन और जो हमने कलर अप्लाई किए थे इसको हमने ग्रीन के साथ ऐसे ब्लेंड कर देना है ताकि हमारे शेड्स जो हैं वो सारे मिक्सअप हो जाए और बिल्कुल अलग से जो है वो इनका लुक नज़र आए कि हाँ हमने जो है वो प्रॉपर तरीके से है आई अप्लाई किए अपनी आईज़ पर अब ये देखें हमारे दोनों आई अप्लाई हो चुके हैं देन हमने ये शिमर वाला शेड देना है ग्रीन फॉर्म में जो हमने मैट फॉर्म वाला लिया था ठीक है ये देखें अब इसको हमने वहां अप्लाई करना है जहां पर हमने ग्रीन शेड अप्लाई किया था इस तरह से इसको भी हमने फिंगर से लेकर टैप कर करके अप्लाई करना है जब हम ये शिमर वाला शेड मैट फॉर्म के ऊपर लगाएंगे तो हमारे आई शेडो जो है वो काफी जो है वो ग्लो करने लगेगा ग्रीन वाला और बहुत प्रोमिनेंट होगा अच्छा ये मेकअप जो है ये पार्टी ओकेजन किसी भी चीज पे किसी भी आप जो है वो कोई भी कहते हैं कोई तकरीब हो कोई भी इवेंट हो तो उसके ऊपर ये आप कर सकते हैं ये ब्लैक स्मोकी पे भी हो सकता है और ये ग्रीन ड्रेस पे भी हो सकता है और ये रेड पे भी आप कर सकते हैं रेड लिप्स के साथ ठीक है अच्छा उसके बाद हमने जेल लाइनर एंड आई लैशेज अप्लाई कर ली हैं आ, उसके बाद हमने ये वो वही वाला रेडिश ब्र, ब्राउन शेड लेना है जिस पे हमने जो है जिससे हमने क्रीज मेक करी थी अपनी आई शेडो ब्लेंड किया था ठीक है हमने ये वाटर लाइन पर इनर से आउटर तक अप्लाई करना है अच्छी तरह से ताकि हमारा आई का जो मेकअप है वो ज़रा सेम सेम से लगे देन एंड प्राइमर एंड हुदा ब्यूटी क्रीम है ठीक है ये वायलवेड टच का प्राइमर है और हदा ब्यूटी क्रीम है हमने इसको अपने हैंड पे लेना है इस तरह से सबसे पहले लिया हमने प्राइमर उसके बाद ये हदा ब्यूटी क्रीम बीबी -बी क्रीम है ठीक है इन दो को लेना है उसके बाद हमने इनको दोनों को मिक्स करना है मिक्स करने के बाद जो है ये अपने इस तरह से फेस पे अप्लाई करना है कब हम अपने बनाने चले हैं अपनी फ्लॉलेस बेस हाँ ये, कि ये है कि मैं थोड़ा सा जो है वो किसी भी क्रीम से या उससे लोशन से मैंने मॉइस्चराइज कर लिया था वैसे भी मैं मॉइस्चराइज करती रहती हूँ तो इसमें कोई वो नहीं है कि मैंने ज़्यादा अपने ऊपर कोई लगाया है प्राइमर वगैरह कोई भी प्राइमर मैंने अप्लाई नहीं किया है ये डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ देन ये मेरा जो है हाँ, सिग्नेचर एक तरह से फाउंडेशन समझ लें आप ये एम का एस पी एफ फोटी फाउंडेशन है ठीक है ये मैं लॉन्ग लास्टिंग हुआ है काफ़ी अच्छा और मैं ये अप्लाई कर रही हूँ इसकी क्वान्टिटी बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही लो चल जाएगी इसमें ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती ठीक है ये इस तरह से अपने अप्लाई कर लिया जहां जहां मैं अप्लाई करना था आई होप आपको समझ आ रहा होगा ठीक है देन ये ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको अच्छी तरह से टैप टैप करके तीनों को ब्लेंड कर देंगे और हमारी स्किन जब ये टैप हो जाएगी अच्छी तरह से फिर आप देखिएगा कि हमारी स्किन जो है कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस और बेस लग रही है देखिए बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है कोई केकी बेस नहीं लग रही ऐसा लग रहा है कि जैसे स्किन का कलर बिल्कुल सेम है बिल्कुल बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन में क्योंकि इसमें प्राइमर मौजूद है देन हमने फेस पाउडर लिया कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने थोड़ा सा डार्क टोन का जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है उसके बाद ही मैं फिट मी मेबल इनका कंसीलर ले रही हूँ अंडर आई एरिया पर थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई और कंसीलर अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं इसमें कोई मसला नहीं है कोई इशू की बात नहीं है आई होप कि आपको मेकअप जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा मेकअप अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ तो लाजमी शेयर करें ठीक है और मेरे और भी चैनल्स पे जो है मेरे वीडियोज़ हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी अपलोड हैं आप वो जाके देख सकते हैं किस तरह से मैं आईब्रोज अपनी वैसे प्रोफेशनल लेवल पर नीट करती हूँ वो भी देख सकते हैं ठीक है और काफ़ी सारी मैंने स्किन केयर रूटीन भी मैंने अपलोड करी है वो भी आप मेरा देख सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होती हैं मैं कोई हाई फाई है जो है प्रोडक्ट्स मैं आपको नहीं बताऊँगी कि जो बाय ना कर सके ठीक है तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव लग रही हैं आप नॉर्मली प्रोडक्ट भी ले सकते हैं बस अच्छी quality, अच्छी क्वालिटी की हो नॉर्मल क्वालिटी की वो भी चल जाती है मेकअप का ये है कि आपको टेक्निक्स टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मालूम होनी चाहिए जब तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम नहीं होगी आप नहीं कर सकते और प्रैक्टिस जो है वो मेन चीज़ है उसके बाद आ जाएंगे हम ये फाइनल टच की जो है वो ब्लश पैलेट है न्यूड ये मैट फॉर्म में इसमें से ये वाला शेड मैंने लेके अपने चीक बॉल पर अप्लाई किया है ये शेड पैलेट जो है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके शेड जो है ना काफ़ी अच्छे हैं और लाइट हैं और पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आती है आपके फेस पर ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और ब्यूटीफुल लगते हैं तो मुझे तो बहुत ही पर्सनली पसंद है दैन ये हाईलाइटर लिया है इससे मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा सा ये पीछी शेड में है ये वैसे भी आमतौर पर इजीली जो है वो किसी भी पैलेट में मिल जाता है या आई पैलेट्स में मौजूद है तो सिंगल पैलेट में भी मिल जाता है तो मैं मुझे ये पर्सनली पीछी शेड काफ़ी पसंद है तो मैं ये वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ दैन इनर कॉर्नर पर भी लगा लेंगे नोज पर भी लगा लेंगे चीक बॉल पर भी लगा लेंगे ठीक है तो थोड़ा सा ताकि हमारा मेकअप जो है वो हाईलाइट हो जाए अच्छा मैं कॉन्ट्रोल इसलिए नहीं करी कि देखिए मैंने फेस पर जो है अपने न्यूट uh, शेड अप्लाई किया अगर आप न्यूट शेड की पैलेट ले लेंगे तो आपको जो है वो नीड नहीं होगी वैसे आप ये फाइनल टच की भी पैलेट ले सकते हैं जो मैंने अभी अप्लाई करी है तो देखिए मेरे साइड में जो है वो चीक पर फेस पर जो है मुझे कॉन्ट्रोलिंग की जरूरत नहीं हो रही देन हमने ये लिप पेंसिल ली है लिप पेंसिल से हम थोड़ी सी लाइन अपनी लिप्स की आउटलाइन को मेक करेंगे ठीक है थोड़ा सा डार्क टोन में इस तरह से अप्लाई करेंगे उसके ऊपर जो है अच्छी तरह से जब हमारा अप्लाई हो जाएगा जब हमारा लिप पेंसिल देन हमने जो है वो हुदा ब्यूटी का सेम रिसेम्बल शेड का जो है हमने मैच का हमने ग्लॉस अप्लाई करना है अच्छा ग्लॉस में जो है मैंने थोड़ा सा जो है वो क्रंची शेड टाइप का जो होता है वो मैंने शेड लिया है रेड uh, लिप्स मैंने अप्लाई नहीं करी क्योंकि रेड जो है मोस्टली वैसे तो रेड कलर जो बहुत ज़्यादा हॉट लगता है बट uh, अगर अगर ये गोल्डन ग्लिटर आई मेकअप के साथ हो तो रेड बहुत प्यारा लगता है पर्सनली मुझे पसंद है तो इन मैं जो है वो गोल्ड ग्लिटर आई शेडो के ऊपर भी मैं ट्यूटोरियल मेक करूंगी दोबारा से एक अच्छा बिल्कुल न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बिल्कुल न्यू लुक के साथ और सिल्वर कट की जी मैंने मेकअप भी जो है वो बिल्कुल एज अ प्रोफेशनल लेवल पर मैंने अपलोड किया हुआ है वो भी आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं देन हमने आई शडो पैलेट में से एक पिंक वाला शेड लिया है ठीक है उसके बाद हमने ये लिप के ऊपर अपने अप्लाई कर लिया है तो हमारा बिल्कुल मैट फॉर्म का शेड आ रहा है और बहुत ही चेंज लुक हो गया था ये देखें ये एक न्यू टिप थी ट्रिक्स थी अपने लिप्स को बिल्कुल मैट फॉर्म में शो करने की ठीक है ये देखें डबल कोट का हमारा लिप कलर लग रहा है तो हमारा मेकअप फाइनली हो गया है डन अगर और आई होप कि आपको मेकअप जो है वो पसंद आया होगा आपने इन्जॉय किया होगा वीडियो को पूरा देखा होगा फुल वॉच किया होगा क्योंकि अगर बीच में से वीडियो स्किप कर देंगे तो मैंने कौन सी चीज़ कितनी लगाई है कब लगाई है किसके ऊपर लगाई है आपको पता नहीं चलेगा तो वीडियो हमेशी हमेशा जो है वो पूरी वॉच किया करें और वॉच करने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें और अगर सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ठीक है जब तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करें क्योंकि मैं डेली बेसिस पर कोशिश करती हूँ मैं वीडियोस अपलोड करूँ ताकि मेरे व्यवर्स को जो है वो अच्छे अच्छे कंटेंट जा सकें तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा आ, मुझे तो बहुत मज़ा आया आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा ये है हमारा फोकस से बिल्कुल जूम करके फाइनल लुक और कैसा लगा ये आपको मेकअप आई uh, होप कि आपको पसंद आया होगा और मेकअप अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें फिर से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे सपोर्ट करें मेरा न्यू चैनल है और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए सब लोग जो हैं वो अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें एंड टेक केयर एंड बाय बाय